अब तक हमने आइंस्टीन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कि ब्राउनियन पार्टिकल्स के ये जो स्क्वायर मीन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है। अब हम जो लेंगविन थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, लेंगविन्स थ्योरी। जो ब्राउनियन पार्टिकल है किसी भी लिक्विड में या फिर गैस में, वो पर सेकंड 10^21 कोलिजन करता है जो पार्टिकल हैं गैस के या फिर उस लिक्विड के, और 10^7 टाइम्स अपना पाथ है वो चेंज करता है। ओके, इट मींस कि इतनी ज़्यादा कोलिजन्स हैं, ओके, और बहुत कम टाइम में, बिकॉज 1 सेकंड में 10^21 कोलिजन्स हो रही है। इट मीन्स वन कोलिजन में कितना टाइम लगा, 10^-21 सेकंड, जो कि बहुत कम टाइम है। इट मीन्स हम किसी भी पार्टिकल के जो मोशन है उसको ट्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज इतना कम टाइम है और इतने प्रसाइजली उसका जो मोशन है उसको हम नहीं ट्रेस कर पाएंगे। सो लैंगविन ने क्या कहा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ब्राउनियन पार्टिकल्स हैं, सो उनके ऊपर एक तरीके से जो इक्विवेलेंट फोर्स है, बम्बार्डिंग से आने वाला जो इक्विवेलेंट फोर्स है उनके, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है जो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसका, उसके लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो आपका फोर्स है, इक्विवेलेंट फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, एफ प्लस एफ एक्स। एफ जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ओके, और जो एफ एक्स है वो फ्लक्चुएटिंग फोर्स है। ये जो फ्लक्चुएटिंग फोर्स है ये किसकी वजह से होता है, जो बम्बार्डिंग है पार्टिकल्स की उनकी वजह से जो फोर्स होगा, बिकॉज 10^21 कोलिजन्स हो रही है, बम्बार्डिंग हो रही है, सो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो पाथ है वो चेंज होगा। ओके, सो बम्बार्डिंग की वजह से एक फ्लक्चुएटिंग जो फोर्स है वो एक्ट करेगा, बिकॉज जो पार्टिकल हैं चारों तरफ से कोलिजन कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कहीं वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कभी इधर लगेगा, तो एक तरीके से फ्लक्चुएटिंग जो फोर्स है वो आपका एफ एक्स है, और जो फोर्स है हमने ओनली एक्स डायरेक्शन में कंसिडर किया है। ओके, सो ये आपका लीनियर मोशन है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो देखिए, ये हमारा अगर सस्पेंडेड पार्टिकल था, ओके, और यहाँ पर हमारे गैस पार्टिकल्स हैं या फिर लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही तो था ब्राउनियन पार्टिकल। सो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस पे कोलिजन करते हैं कंटिन्यूअसली चारों तरफ से, और इसका रेट कितना था, 10^21 कोलिजन पर सेकेंड, और ये पाथ कितना चेंज करता है, 1 सेकंड में कितना करता है, 10^7 टाइम्स। ओके, अब देखिए इसका जो साइज है वो कंपेयर टू गैस पार्टिकल अगर ज्यादा है, तो ये जो पार्टिकल है इनका जो जो मीन फ्री पाथ होगा कि जिस डिस्टेंस पे ये क्या है कंटिन्यूअसली कोलिजन करते हैं, जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो जो है वो आपकी अगर इसके डायमेंशन की है, ओके, अगर मैं बोलूं कि जो लैम्डा है वो कंपेरेबल टू डी, डी आपका क्या है, डायमीटर बोल सकता हूं, डायमीटर ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल। ओके, सो अगर ये कुछ इस तरीके से हो गया, देन देखिए क्या होगा कि ये अगर हमारा एटम है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, देन जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बम्बार्डिंग एक तरीके से करेंगे, और ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाए, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे। सो ये जो सिस्टम है हम अज्यूम करेंगे कि इसका रेडियस है वो आर है, ये जो स्फेरिकल शेप में जो एटम है हम अज्यूम कर रहे हैं, जो ब्राउनियन पार्टिकल है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो आपका उसका रेडियस आर है, स्फेरिकल शेप में है, और इस तरीके से अगर
ये सिस्टम होगा कि यहाँ पर अगर ये मीन फ्री पाथ है, अगर ये कंपेरेबल हो जाए इसके डायमेंशन से, देन क्या होगा? ये एक तरीके से सिस्टम कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि एक लिक्विड है सपोज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बॉल है, सॉलिड बॉल, उसको हम इसको वी वेलोसिटी से इसके अंदर डालते हैं, ओके, और इसके ऊपर एक बोयंट फोर्स लगेगा लिक्विड से, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ओके okay. अगर इसका विस्कोसिटी नीटा है सपोज लिक्विड का, देन हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इज इक्वल टू कितना होता है, 6 पाई नीटा आर, जो इसका रेडियस है, इनटू वी. वी आपका क्या है, वेलोसिटी. सपोज यहां पर मैं ओनली एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं, तो एक्स मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स डॉट मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी. उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन, बिकॉज यहाँ पर एक्स डबल डॉट लगाया हुआ है, डेरिवेटिव है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 पाई नीटा आर इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स डॉट. ओके सो यहां पर जस्ट इसका वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करें देन हमें क्या मिलेगा, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, यहां से देखिए एफ का वैल्यू पुट करेंगे देन 6 पाई नीटा आर एक्स डॉट, ओके, और प्लस एफ एक्स, और यहां पर आपका नेगेटिव साइन भी आएगा, बिकॉज ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है पार्टिकल के मोशन की, ओके, और ये जो रिलेशन है ये आपका कहां से आता है, स्टोक्स, स्टोक्स रिलेशन जो है, इसको बोलते हैं कि कितना आपका बोयंट फोर्स लगेगा उस पार्टिकल पे, या फिर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, सी इज इक्वल टू 6 पाई नीटा इंटू आर, देन हम यहां से क्या कर सकते हैं कि एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस सी एक्स डॉट प्लस एफ एक्स. अब सपोज अगर हम जो पार्टिकल है उसको स्टडी करें बहुत लास्ट टाइम तक, सपोज टी इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, टी इज ग्रेटर देन क्या लेते हैं, 10^21 सेकेंड्स, इट मीन्स बहुत ज्यादा टाइम तक अगर हम स्टडी करते हैं उस सिस्टम को, देन क्या होगा कि कंटिन्यूअसली बम्बार्डिंग हो रही है, कितनी है रेट, 21 कोलिजन्स पर सेकंड में, पर सेकंड में हो रही है, तो इतने में बहुत सारी हो जाएंगी. अब क्या होगा कि जैसे हम एवरेज स्पीड के केस में क्या करते थे कि पार्टिकल है किसी भी इक्विलिब्रियम गैस के लिए, सो हम अज्यूम करते थे कि सपोज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है देन वो किसी टाइम पर इस डायरेक्शन में भी मूव किया होगा, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी उस टाइम में 0 लेते थे. अब इस टाइम में क्या होगा कि जो बम्बार्डिंग हो रही है पार्टिकल के ऊपर, अब ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा, ओके, 0 भी होगा, कभी कभी इसका वैल्यू लार्ज भी चला जाएगा. सो एफ एक्स का वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, और एक लार्ज टाइम पीरियड के बाद वो पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करना बंद कर देगा, बिकॉज कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करें, ओके, न कि उसका एक तरीके से वेलोसिटी या कोई और चीज, डिस्प्लेसमेंट मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो डायरेक्ट एक तरीके से जो डिफरेंस है, अगर वो चेक करें तो वो 0 आएगा. क्यों, सेम वही कंडीशन है जैसे हम वेलोसिटी को 0 कर देते थे, एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज पोजिशन अगर मैं करता हूँ, सपोज एक्स बार अगर मैंने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, देन इसका वैल्यू 0 आने वाला है. क्यों, बिकॉज जितने पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर, जितने सस्पेंडेड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे इतने ही इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो जो एवरेज है एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी, वो भी आपका 0 होने वाला है. सो यहां पर हम ओनली एक्स कंपोनेंट नहीं लेके हम एक्स स्क्वेयर की टर्म्स में चलेंगे, बिकॉज अगर एक्स बार करने की बजाय अगर हम एक्स स्क्वायर बार करते हैं देन हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा,
बिकॉज किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर आप स्क्वायर करते हो देन वो पॉजिटिव हो जाता है। सो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर मिलेगी, जैसे VRMS वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा आपका स्क्वायर एवरेज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके साथ वर्क करेंगे। सो इसीलिए ये इक्वेशन आपका ओनली एक्स की टर्म में है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स के साथ, ताकि यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाए। सो हम क्या कह सकते हैं कि एम एक्स डबल डॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी एक्स डॉट प्लस एक्स एफ एक्स। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या आता है कि अगर हम सुपोज डेरिवेटिव करते हैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हमें क्या मिलेगा, यहां से आपका हो जाता है 2x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी यहां टाइम के साथ करेंगे ना, एक्स के साथ नहीं, हमें टाइम के साथ करना है, तभी तो हमें एक्स डबल डॉट मिलेगा, टाइम के साथ कर रहे हैं। So, यहां कितना मिलेगा 2x, ओके, और x डॉट। ओके, अब इस टर्म का अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे देन इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखिए एक बार और करेंगे देन 2x डॉट स्क्वायर, एक तो ये होगा u डॉट v से करेंगे, प्लस 2 यहां से कितना हो जाएगा x x डबल डॉट। ओके, अब यहां से देखिए कि यहां से हमको एक्स डबल डॉट और एक्स डॉट का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ओके, सो यहां से सबसे पहले चेक करते हैं इसका एक्स डबल डॉट का वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन में अगर एक्स डबल डॉट का वैल्यू पुट करूंगा देन मेरे को देखिए क्या चाहिएगा, सॉरी हमें इस इक्वेशन में नहीं, यहां पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। So, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एम डबल डॉट एक्स डबल डॉट एक्स, यहां से एक्स डबल डॉट एक्स आ रहा है, टू यहां से अगर डिवाइड कर दूं। ओके, सो यहां से मेरे पास क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, यहां से मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पे ये टर्म इधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाता है एक्स डॉट स्क्वायर। ओके, और इसका वैल्यू हमने पुट किया अभी, ठीक है, और एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यहां पर एम भी है। सो एम यहां पर एम डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, और इधर आपका m से मल्टीप्लाई भी हो जाता है, ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाता है, ये वाला इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस सी एक्स डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू कहां से है, एक्स डॉट इंटू, सॉरी यहां पर x भी होगा ना, यहां पर आपका x भी होने वाला है बिकॉज x का हमने मल्टीप्लाई भी तो करना है इसके साथ x एफ एक्स। ओके, अब देखिए यहां से एक्स डॉट एक्स ये रहा। ओके, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे देन 1 डिवाइडेड बाई 2 डी डिवाइडेड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका इस टर्म का वैल्यू आ जाता है एक्स डॉट एक्स। अब माइनस सी भी है तो माइनस सी यहां पर आप लिख सकते हो, ये हो गया था। देन प्लस आपका यहां पर कितना हो जाता है एक्स एफ एक्स। अब हमें पता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन कर रहे हैं, 10^21 पर सेकेंड। ओके, सो यहां से अगर हम एवरेज लेना चाहें इन सब क्वांटिटीज का विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स, देन हम क्या करेंगे, यहां पर बार रखेंगे जो कि एवरेज होता है। ओके, अब यहां से एक्स एफ एक्स बार का वैल्यू देखिए कितना होगा, एक्स भी आपका फ्लक्चुएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
और एफएक्स भी फ्लक्चुएट कर रहा है, इट मीन्स दोनों क्वांटिटी फ्लक्चुएट कर रही है, और कभी ना कभी लार्ज वैल्यू ऑफ जो आपका टाइम है उसके बाद इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम इसको एवरेज अगर लेके चलें, जैसे वेलोसिटी एवरेज होता है, उसी तरीके से इसका एवरेज भी आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहां से चेक कीजिए कितना होगा, यहां से अगर चेक करें देन कितना एक्सप्रेशन बच गया हमारे पास। अब देखिए डी स्क्वायर डेरिवेटिव है, एम का एवरेज तो एम ही होगा, सो इसका डेरिवेटिव का एवरेज, उसी तरीके से एम यहां से रिमूव कर दो इसका एवरेज। ओके सो यहां पर देखिए ये क्या है, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डेरिवेटिव का स्क्वायर करके फिर एवरेज कर रहे हो। ओके बट आप क्या कर सकते हो, पहले एवरेज लेके भी डेरिवेटिव कर सकते हो, एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है एक स्पेस, ओके स्पेस और टाइम के लिए, कि आप पहले आप एवरेज लेके फिर डेरिवेटिव कर दो, या फिर डेरिवेटिव करके फिर एवरेज ले सकते हो। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, हम सिर्फ इस क्वांटिटी के ऊपर पुट कर देते हैं एवरेज साइन, ये आपका क्या होगा, क्वांटिटी जीरो हो गया। अब अगर इसको सोल्व करके लिखें दें, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इस क्वांटिटी को इधर लेके चलते हैं प्लस, अब यहां पर m डिवाइडेड बाई टू था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन यहां पर कितना है c डिवाइडेड बाई टू, सो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस c डिवाइडेड बाई m d डिवाइडेड बाई डी टी एक्स स्क्वायर बार। अब ये क्वांटिटी है, इसको हम इस साइड लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, तो इसका वैल्यू देखिए कितना हो गया, m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से टू से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स डॉट स्क्वायर, ओके और इसका आपका एवरेज। अब यहां से देखिए इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या होता है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओके वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये क्वांटिटी लिखिए, यहां पर कितना होगा एक्स डॉट स्क्वायर इसका बार इज इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kbT होती है। ओके या फिर आप F/2 kbT लिख सकते हो। अब यहां से देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ओनली एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं, इट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 होगा। सो अगर यहां पर मैं 1 वैल्यू पुट करता हूं देन देखिए ये जो क्वांटिटी का वैल्यू है एक्स डॉट स्क्वायर इसका एवरेज ये कितना हो जाता है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, सो kbT डिवाइडेड बाई एम, सो यहां से इक्वेशन कितना हो जाएगा, यहां से देखें तो सो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एम डी डिवाइडेड बाई डी टी एक्स स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू, यहां से देखिए टू मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी के साथ 2 kbT डिवाइडेड बाई एम। ओके सो ये हमारा एक तरीके से इक्वेशन हो जाता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और विद कांस्टेंट कोफिशियंट है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। ओके अब यहाँ से देखिए हमें ये इक्वेशन मिल गया था, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए सी डिवाइडेड बाई एम क्या इस क्वांटिटी को कुछ किसी टर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं कि सी हमारा कितना था, C इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी, अगर इसका यूनिट्स लिखे देन देखिए क्या है, एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, उसी तरीके से वेलोसिटी का कितना होगा एम टी माइनस वन, एम नहीं एल सॉरी एल टी माइनस वन, यहां से एल एल आपका कैंसिल हो जाता है और टी आपका यहां से क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाता है। ओके अगर आप डिवाइड करते हो सी डिवाइडेड बाई एम देन देखिए एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी यूनिट कितना रहेगा टी माइनस वन, इट मीन्स यूनिट किसका आ रहा है पर टाइम का, सो सी डिवाइडेड बाई एम है वो हम क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन देखिए ये इक्वेशन जो है हमारी कैसे चेंज हो जाएगी, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बार प्लस ओमेगा डी डिवाइडेड बाई डी टी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू 2 kbT डिवाइडेड बाई एम। अब देखिए सपोज
मैं ये जो क्वांटिटी है इसको मैं यू एज्यूम करता हूँ कि यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी एक्स स्क्वायर बार। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ यू डॉट, देन वो किसके इक्वल होगा? इसी के इक्वल होगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके बार के। सो यहाँ से यू यू डॉट का वैल्यू पुट करते हैं, देन इक्वेशन हमारे पास क्या क्या जाएगा? हम कह सकते हैं यू डॉट इज प्लस ओमेगा यू इज इक्वल टू 2 kBT डिवाइडेड बाई एम। सो ये इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके बट हमने इसको क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया। कैसे? यू इज इक्वल टू एक डेरिवेटिव जो था उसको हमने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव को यू एज्यूम किया, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ये आपकी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। ओके और ये हमने किस में चेंज कर दी, फर्स्ट ऑर्डर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपका यू का वैल्यू आएगा, अब हमें पता है यू आपका इतना होता है। ओके देन यू से आप फिर एक्स स्क्वायर आप यहां से एक बार इंटीग्रल करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो सिंपल रहेगा। सो इस तरीके की अगर आपको इक्वेशन मिल जाए, सपोज कि अगर आपका एक्स डॉट प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू सम क्वांटिटी क्यू, इसका जो एक तरीके से जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा? हमें सबसे पहले इसका आई एफ फाइंड आउट करना होता है। आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, यहां पर आएगा पी इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, बिकॉज यहां पर आपकी एक्स क्वांटिटी है। ओके सो इस केस में आपका आई एफ देखिए कितना आएगा, आई एफ इज इक्वल टू कितना वैल्यू आता है, एक्सपोनेंशियल पी आपका क्या है, यहां से ओमेगा है, सो और ओमेगा इंटू एक्स आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल ओमेगा इंटू एक्स, ये आपका आई एफ आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, सॉल्यूशन जो है जो आप क्वांटिटी का फाइंड आउट कर रहे हो, यहां पर x है। ओके तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए आई एफ का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। देन इसी क्वांटिटी के लिए जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि x आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q आई एफ, ओके और dx के रिस्पेक्ट में इसका करना है। ओके dx के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, सॉरी यहां पर टी करना पड़ेगा। अब यहां पे ओनली डी टी आएगा ना, सॉरी एक्स डी एक्स भी नहीं आता, यहां पर डी टी आता, बिकॉज यहां पर ये जो क्वांटिटी है ना डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट होते हैं ना, डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, यहां पर आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी आता है यहां पर, और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी यहां पर आएगा। ओके सो यहां पर एक्स आई एफ क्यू आई एफ और यहां पे आपका डी टी आएगा ना कि डी एक्स। ओके वो कई बार कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस आपका यहां पर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, सपोज ए हमारा कांस्टेंट आया। सो अब इस इक्वेशन को इस टर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, आई एफ हमें पता है, सो एक्स आई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एक्स यहां पर यू है तो यू इज इक्वल टू कितना आएगा, यू इंटू आई एफ यू इंटू एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी, न कि ओमेगा एक्स, यहां पर एक्स नहीं टी आएगा, बिकॉज एक्स तो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना यहाँ। यू एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहां से इंटीग्रल करना है क्यू, देखिए कितना है, क्यू का वैल्यू 2 kBT डिवाइडेड बाई एम, जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं 2 kBT डिवाइडेड बाई एम, और देखिए इंटीग्रल किसका करना पड़ेगा, आई एफ का, एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी इंटू डी टी प्लस आपका एक एक कॉन्स्टेंट है, यहां से कितना हो जाता है, यू एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहां से देखिए 2 kBT डिवाइडेड बाई एम, और यहां से कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ओमेगा का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी। ओके बट अंदर वाली टर्म का करेंगे देन ओमेगा का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा प्लस में ए। अब यहां से ये एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको डिवाइड करते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, तो यू इज इक्वल टू कितना आता है, 2 kBT डिवाइडेड बाई एम, यहां से आपका क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, ओमेगा यहां पर आएगा। ओके और इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, इज इक्वल टू
यहाँ पे सॉरी इज इक्वल टू नहीं प्लस प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी, बिकॉज ए इसके डिवाइड में जाएगा, देन इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, माइनस ओमेगा टी कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिला था कि सी डिवाइडेड बाई एम ये आपका ओमेगा के इक्वल होता है। ओके अब यहाँ पे ओमेगा इंटू एम किसके इक्वल हो जाता है, सी के इक्वल। सो ये इक्वेशन है यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 KBT डिवाइडेड बाई सी प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास यू के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके बट हमें क्या चाहिए, हमें तो जो एवरेज होगा जो स्क्वायर एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वही चाहिए ना। सो हम क्या करेंगे, यू की जगह ये क्वांटिटी का वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास देखिए कितना आएगा, इसका करूंगा तो डी डिवाइडेड बाई डी टी, यहां पर लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई डी टी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 2 KBT डिवाइडेड बाई सी प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी। अब देखिए आपको इंटीग्रल करेंगे तभी आपको ये वैल्यू मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने से पहले देखो इस पार्ट को देखिए, एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी जो क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है एक तरीके से। ओके अब यहां से चेक कीजिए ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एम। एम अगर क्या है लेस है देन क्या होगा, ओमेगा वेरी वेरी लार्ज, ओके टू वन सपोज। सो बहुत ज्यादा बड़ा है देन हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली क्या करेगा टर्म, बहुत क्विकली एक तरीके से डिक्रीज करेगी ये टर्म। सो इसको हम क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ये आपका टर्म क्या जाएगा, जीरो चला जाता है। देन हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो आपका डेरिवेटिव है डी डिवाइडेड बाई डी टी एक्स स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 KBT डिवाइडेड बाई सी। अब इसका इंटीग्रल करोगे सपोज 0 to 2 टाइम तक अगर हम ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करें, देन यहां से देखिए ये कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर बार लिमिट हो जाता है 0 to 2 इज इक्वल टू यहां से देखिए 2 KBT डिवाइडेड बाई सी और ये आपका यहां से क्या होगा टी होगा, टी की लिमिट होगी 0 to 2, ये आपका कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर बार आपका किस पोजीशन पे टो माइनस एक्स स्क्वायर बार आपका किधर होगा जीरो। इट मीन्स 0 टाइम पे और आपका टो टाइम पे जो पोजीशन है पार्टिकल की उनके बीच में कितना टोटल डिफरेंस है एक तरीके से, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो किसके इक्वल हो जाता है, यहां से देखिए 2 KBT डिवाइडेड बाई सी इंटू टो। ओके अब सी का वैल्यू हमें कितना पता होता है, सी इज इक्वल टू कितना होता है 6 पाई मीटा और इंटू आर। ओके और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका एक्स यहां पे डिफरेंस हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर बार लिख सकते हैं एक तरीके से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहां पे है 2, यहां पे क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3। सो KBT टो डिवाइडेड बाई 3 पाई नीटा इंटू आर। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका जो स्क्वायर मीन डिस्प्लेसमेंट है किसी भी सस्पेंडेड पार्टिकल का या फिर आप बोल सकते हो ब्राउनियन पार्टिकल का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया KBT टो डिवाइडेड बाई 3 पाई नीटा इंटू आर। ओके इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ही पेरिन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जो जो आपका मीन स्क्वायर मीन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया कि सुपोज हमारा जो पार्टिकल है वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके देन होगा क्या कि ओनली हम एक्स डायरेक्शन में क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे हर पार्ट में। ओके जैसे यहां से अगर इसका एक्स कंपोनेंट हो गया फिर एक्स का, देन हर टर्म को हम क्या करेंगे जैसे x1 स्क्वायर इसका कर दिया, x2 स्क्वायर कर दिया, x3, सबको हम क्या करेंगे सम करेंगे जैसे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर 10 10। ओके अब एवरेज करने के लिए सपोज एन पार्टिकल्स थे तो एन से डिवाइड करके हम क्या कर देंगे एवरेज फाइंड आउट कर देंगे। सो ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है बट लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है तो एक तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना काफी हार्ड होता है, बट एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिसाइज सेटअप से। ओके KBT टेम्परेचर सिस्टम का फाइंड आउट कैसे, टी आपका टाइम ड्यूरेशन है जहां तक आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, नीटा
होगा कि जिस गैस के अंदर आपका विस्कोसिटी कितना है वो, और मॉलिक्यूल का अगर आपको जो रेडियस पता है देन आप क्या कर सकते हो, टोटल चीज़ें हैं एक तरीके से, सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ओके, सो यहाँ से अगर, यहाँ से इस इक्वेशन को अगर अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें देन हम क्या कह सकते हैं, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन इस इक्वेशन को। सो सपोज यहाँ कर दें इसको, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, डेल एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया देन के बी इंटू एन ए क्या हो जाता है, आर हो जाता है, तो आर टी टो डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 3 पाई नीटा आर इंटू एन ए। अब देखिए ये क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, आर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अगर हम एन ए जो एवोगैड्रो नंबर है वो फाइंड आउट करना चाहें तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट था आपका पेरिन का उसको हम परफॉर्म करेंगे कि क्या कैसे कैसे उन्होंने जो ये जो वैल्यू है ये कैसे फाइंड आउट की। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये कंप्लीट हो जाता है स्क्वायर मीन डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर ब्राउनियन पार्टिकल यूजिंग लैग्रांजियन अप्रोच।